हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार और पेनिनसुलर प्लेटू जो है, जो प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ और पठार हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये सेकेंड वीडियो है। ऑलरेडी हमने हिमालय, ट्रांस हिमालय और नॉर्थ ईस्ट जो हिल हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसमें बात करेंगे जो प्रायद्वीप है, जो प्रायद्वीप है भारत के, उसका विकास कैसे, वो कैसे आया। तो जो पेंजिया कंटिनेंट एक ही था, पेंजिया से ही वो जब टूट गया, ब्रेक हो गया, तो दो कंटिनेंट बने, गोंड दो भाग में बट गया, एक गोंडवाना एक लॉरेशिया। तो गोंडवाना और लॉरेशिया, तो जो ये आपका प्रायद्वीपी भारत है ये किसका भाग है, ये वाला जो भाग है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। सो बेसिकली गोंडवाना लैंड का भाग है ये प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुलर रीजन है, ये इसका भाग है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। तो ये इसका ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं, बाकी ये आपको पता होना चाहिए कि कितना ये किससे इसका ओरिजिन हुआ है। तो हम देख लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार में स्थलाकृतियाँ का वर्गीकरण कैसे हुआ था। तो प्रायद्वीपीय पठार को हम दो भागों में पढ़ेंगे, पहला तो एक पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र, और पठारी और जो स्थलाकृतियाँ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम पहाड़ी और पर्वत की बात करें तो इसके अंदर हम पश्चिमी घाट, जो वेस्टर्न घाट है उसको डिस्कस करेंगे, जिसको हम सह्याद्री कहते हैं, जिसमें अन्नामलाई, नीलगिरी ये सब डिस्कस करेंगे। देन हम ईस्टर्न घाट डिस्कस करेंगे, पूर्वी घाट, देन अरावली जो पर्वत श्रेणी है, विंध्यन पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अजंता बालाघाट श्रेणी जो महाराष्ट्र का है, और गिर पहाड़ी श्रेणी गुजरात का, और राजमहल, हजारीबाग जो कि रांची की पहाड़ियाँ, जो छोटा नागपुर के पठार के जस्ट उत्तर में स्थित है राजमहल, हजारीबाग ये डिस्कस करेंगे। देन हम गारो खासी जयंतिया जो मेघालय का है वो पहाड़ हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। और पठार की बात करें तो पठार में हम मध्य भारत का पठार देखेंगे, मध्य प्रदेश में जो है, गुजरात के साइड महाराष्ट्र से ऐसे, पूर्वी भारत का पठार देखेंगे, और दक्कन का पठार देखेंगे जो महाराष्ट्र से दक्षिण के साइड में है, और काठियावाड़ जो गुजरात का है, दक्षिण भारत का पठार हम देखेंगे। तो महाराष्ट्र के पठार में हम देखेंगे और काठियावाड़ गुजरात का, दक्षिण भारत के हम पठार डिस्कस करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो पठार के अंदर हम मध्य भारत का पठार अगर देखें तो उसमें मेवाड़ आता है, मेवाड़ मध्य भारत का पठार देखेंगे, मालवा का पठार देखेंगे, बुंदेलखंड का पठार देखेंगे, और उसके बाद हम पूर्वी भारत का पठार के अंदर हम छोटा नागपुर का पठार देखेंगे जो कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है, बघेलखंड का पठार जो कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के साइड से, इधर हम झारखंड छत्तीसगढ़ के साइड देखेंगे, बस्तर का पठार देखेंगे बस्तर, और अमरकंटक, अमरकंटक का पठार देखेंगे हम, और मेघालय जो मध्य प्रदेश और मेघालय का पठार देखेंगे जैसे खासी गारो जयंतिया जो है, और हम रीवा सतना पन्ना पठार देखेंगे। एंड उसके बाद हम दक्कन के पठार के अंदर हम महाराष्ट्र का पठार देखेंगे, तेलंगाना का पठार, और रायसीमा का पठार देखेंगे। एंड देन काठियावाड़ का पठार, दक्षिण भारत के पठार में हम बेंगलुरु का पठार, मैसूर का पठार जो कर्नाटक का ही है, तो कर्नाटक का पठार, मल्लाड उच्च भूमि और कोयम्बटूर देखेंगे, एंड मदुरई का पठार हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको देख लेते हैं। हम पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ देख लेते हैं, जिसको पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ होती है उसको सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, और हिमाद्री किसको कहते हैं, हिमालय को देखा जाता है, हिमाद्री, ग्रेट हिमालय को। तो अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणी है उसको डिस्कस करेंगे कहाँ पे है, नीलगिरी देखेंगे, अन्नामलाई जो श्रेणी है वो आपको देखने को मिलेगा केरल तमिलनाडु के बॉर्डर, और कर्नाटका में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, नीलगिरी जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। एंड देन पालनी देखेंगे, और पालनी जो कि मेनली तमिलनाडु में ही है वो डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए पश्चिमी घाट कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से गुजरात के, नहीं इधर, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है ताप्ती, हाँ एक सेकेंड, यहाँ से शुरू हुआ है और कन्याकुमारी तक इधर तक फैला हुआ है, कौन सा घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। कितना इसका विस्तार है, 1600 किलोमीटर, तो ताप्ती नदी के मुहाने से, तो ताप्ती नदी के इधर मुहाने से ये कन्याकुमारी तक विस्तृत है, कितना, 1600 किलोमीटर है ये पर्वत घाट जो है, 1600 किलोमीटर है, तो सबसे लंबा है, ठीक है, घाट में। और बात करें इसका पश्चिमी ढाल अति तीव्र एवं पूर्वी ढाल अति मंद है, इसलिए इसे कगार या स्कार्पमेंट कहते हैं, जो इसका पश्चिमी ढाल है क्या है, अति तीव्र एवं पूर्वी ढाल अति मंद है, इसलिए इसे कगार या स्कार्पमेंट कहते हैं।
इसे सह्याद्री भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। और सह्याद्री में तीन टाइप के सह्याद्री हैं। उत्तरी सह्याद्री जो कि ताप्ती के मुहाने से गोवा तक विस्तृत है, मध्यवर्ती सह्याद्री जो गोवा से केरल तक है, और दक्षिणी सह्याद्री जो केरल के सीमांत से कन्याकुमारी तक। और इसी में अन्नामुड़ी जो अनाईमुड़ी सबसे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे उच्च चोटी है, जो वो यहीं पे है, दक्षिणी सह्याद्री में ही है। तो देखिए कहाँ से कह रहा है कि देखिए मान लीजिए ये ताप्ती से है, ताप्ती से गोवा तक, गोवा से हमको फिर मध्यवर्ती, गोवा से केरल तक, केरल से हमें दक्षिणी सह्याद्री, ये मिलता है कन्याकुमारी तक। तो ये तीन भागों में बटा हुआ है। उत्तरी सह्याद्री जो महाराष्ट्र वाला रीजन है उसमें महाबलेश्वरम जो कि कृष्णा नदी का उद्गम भी यहीं से, और महाबलेश्वरम कहाँ पे? महाराष्ट्र में कलसुबाई जो है ये भी उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। ये कहाँ पे? ये भी महाराष्ट्र में है, पूछा जा सकता है। तो महाबलेश्वर, कलसुबाई ये कहाँ पे है, और हरिश्चंद्र जो है, हरिश्चंद्र घाटी जो शिखर इधर भी, हरिश्चंद्र पर्वत, ये सब यहीं पे है महाराष्ट्र में, जो कि उत्तरी सह्याद्री का भाग है ना। मध्यवर्ती सह्याद्री में नीलगिरी आती है, नीलगिरी इसी में आती है, और दक्षिणी सह्याद्री में ही अन्नामलाई आती है, और पालनी, पालनी कहाँ पे है? तमिलनाडु। अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में है, जबकि नीलगिरी दोनों में है, ठीक है। तो ये दक्षिणी सह्याद्री में अन्नामलाई आती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी, जो प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, अनाईमुड़ी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अन्नामलाई की बात करें तो अन्नामलाई पहाड़ी की बात कर लेते हैं कि अन्नामलाई क्या है। प्रायद्वीपी भारत की सर्वोच्च चोटी है, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे जो है सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी क्या है? अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, और प्रायद्वीपी भारत की सबसे, मतलब पेनिनसुलर जो भारत है वहाँ की सर्वोच्च चोटी भी है। तो प्रायद्वीपी भारत की सर्वोच्च चोटी भी अनाईमुड़ी है, और यहाँ पे साइलेंट वैली स्थित है, इसी पर साइलेंट वैली स्थित है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो कहाँ पे है ये? देखिए यहाँ से आप देखिए, ये हमने दक्षिणी घाट बनाई, पूरी दक्षिण घाट बनाया जो कि कन्याकुमारी तक फैला ताप्ती ताप्ती रिवर से। तो यहाँ पे अगर देखें तो देखिए ये रहा अन्नामलाई, ये अन्नामलाई है, अन्नामलाई जो कि केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, थोड़ा कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। तो अन्नामलाई की जो चोटी है सर्वोच्च, वो अनाईमुड़ी है, जो कि प्रायद्वीपी भारत की सर्वोच्च चोटी है। और यहीं इसके ऊपर हमने देखा ना कि मध्यवर्ती सह्याद्री का भाग है ये वाला, तो ये नीलगिरी यहाँ मिलती है, जो कि पश्चिमी और पूर्वी घाटी को जोड़ती है। नीलगिरी जोड़ती है। अब नीलगिरी की बात करेंगे तो हम नीलगिरी के अंदर आ जाते हैं। तो नीलगिरी बात करें तो प्रायद्वीपी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है यहीं पे है, जिसको हम दोदा बेट्टा जो कि तमिलनाडु में है, और ये प्रायद्वीपी भारत की अन्नामुड़ी के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो नीलगिरी क्या है? नीलगिरी क्या करती है? पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। तो पूर्वी घाट देख रहे हैं ना, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि नदियाँ क्या करती है, इसका अपर्दन और निक्षेपण कर देती है, इससे नदियाँ इधर ही जाती हैं ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसी तरीके से। तो ये ब्रेक हो गया है, ठीक है, अपर्दन हो गया इसका। तो जबकि ये देखिए कंटिन्यूअस होता है, जबकि ये बड़ा भी है, 1600 किलोमीटर बताया मैंने, ये कम भी है। और इसको देखा जाता है कि ये ऊंचाई पर है, ये थोड़ा सा ढाल पे स्थित है, इसलिए नदियों का फ्लो इधर जाता है ऊंचाई से इस तरीके से। तो इसकी वजह से ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे नीलगिरी है, नीलगिरी पे डोडाबट्टा सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नीलगिरी किसके अंदर आती है? ये मध्य सह्याद्री के अंदर, ठीक है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और नीलगिरी का पता है बायोस्फीयर रिजर्व का पहला इसको मिला था नीलगिरी को पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नीलगिरी देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है, जो कि पश्चिमी घाटी को पूर्वी घाट से जोड़ रहा है, पूर्वी घाटी को पश्चिमी घाटी से, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत में चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जो दक्षिण भारत की उटक मंडल है, उटक मंडक कहते हैं, उटक मंड भी कहते हैं इसको, उटक मंड जो, जिसको रानी ऊटी आपने सुना होगा, ऊटी सुना होगा ना, ऊटी हिल स्टेशन ऊटी है, तो इसी पर है, यही नीलगिरी पे ही, तमिलनाडु में आप देखना ऊटी तो यहीं पे है, ठीक है। इसका नाम याद कर लेना, उटक मंडल। नेक्स्ट बात करेंगे हम पालनी पहाड़ी की बात करें तो नीलगिरी की तरह यह भी एक पर्वतीय घाट है, और प्रायद्वीपी भारत की यह तीसरी सबसे सर्वोच्च श्रृंखला है, क्योंकि जहाँ पे वेप शिंदा प्रायद्वीपी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, कौन सा? वेवा शिंदा, हाँ
वेवशिंदा, जो कि प्रायद्वीप भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है ये वेवशिंदा, ठीक है, जो इसी पर है। तो कोडाईकनाल हिल स्टेशन इसी पर है। तो पाली पहाड़ी पे देखा जाता है कोडाईकनाल हिल स्टेशन है, और जो हमने देखा ऊटी कहाँ पे था, वो नीलगिरी पे था, और कोडाईकनाल यहाँ पे है। तो ये पालनी घाट टोटली कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो ये पालनी घाट देखिए, यहाँ आपका अनामला इधर, ये पालनी है, ये कोडाईकनाल यहाँ पे हिल स्टेशन है, तो ये टोटली तमिलनाडु में है, ठीक है। मैप का आपको आइडिया होना चाहिए। ये पालनी पहाड़ियों को की वजह से ना तमिलनाडु पे वर्षा नहीं होती है, जो मानसून जब आता है तो ये छाया वृष्टि प्रदेश हो जाता है ना, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती इसी पालनी पहाड़ियों की वजह से। और इसकी बात करें तो जो इसी पर कोडाईकनाल हिल स्टेशन है, और यहाँ पे चाय की कृषि होती है, चाय की खेती, ठीक है। पालनी पहाड़ी यहाँ पे कोडाईकनाल हिल स्टेशन है, और यहाँ पे तीसरी सर्वोच्च चोटी है वेबसिंदा, ठीक है। इलायची की पहाड़ियाँ जो कि दक्षिणी प्रायद्वीप, मतलब दक्षिण में देखा जाए सबसे इंड वाला यही पहाड़ियाँ हैं। तो दक्षिण में इलायची की पहाड़ी, जैसे कार्डमम की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, यह अनामलाई के दक्षिण में उसी के क्रम में स्थित निरंतर है, ठीक है। ये देखने को आपको निरंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैप के थ्रू मैं दिखा दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ अनामलाई है, यहाँ पे ये इलायची इलायची की पहाड़ियाँ हैं, और इलायची की पहाड़ियाँ ये हैं, ठीक है। ये वाली इसी की कंटिन्यूस दिखने को मिलेगा आपको इलायची की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे आपको इलायची की पहाड़ी देखी, जिसे कार्डमम पहाड़ी कहते हैं। ओके, नगरकोल की पहाड़ियों की बात करें तो इलायची पहाड़ियों के दक्षिण में इसका शीर्ष तुलनात्मक रूप से सपाट है, और इसी के दक्षिण में घड़ियाल पीठ सेल स्थित है। तो नगरक्वाल की पहाड़ियाँ की, नगरक्वायल की पहाड़ियाँ की बात करें तो इलायची की पहाड़ी के दक्षिण में इसका सिर्फ तुलनात्मक रूप से सपाट मिलता है इसका। तो अभी वो भी हमने देख लिया, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं। क्लियर हो गया ये, ठीक है। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट की बात करें तो ये मैंने बताया, ये डिस्कंटिन्यू, मान लीजिए ये जो पूर्वी घाट है, ये वाला जो जोन खाली छोड़ रखा है ना, ये मैदान हो जाता है, ये प्लेन बन जाता है, जो कि नदियां आती हैं ना उनके छेपर जो भी मलबे होते हैं, उसकी वजह से यहाँ से मैदान फॉर्म हो गया, प्लेन फॉर्म हो जाता है। तो पूर्वी घाट क्योंकि ये डिस्कंटिन्यूस कटा फुटा है, अपरदित है, और पूर्वी तट से थोड़ी दूर अवस्थित, ये क्यों होता है, मैंने बताया रिवर की वजह से, जल विभाजक नहीं, यही कारण है, जल विभाजक नहीं है। इसकी ऊंचाई में भी पश्चिमी घाट से कम है, और इसकी ऊंचाई भी पश्चिमी घाट से कम है, ठीक है। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी भी देखोगे ना, आप 1700-1600 से ही आपको मिलेगी, ज़्यादा नहीं है। जैसे महेंद्रगिरी आप देख लो, इसका 1501 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है पश्चिमी घाट से कम है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। और उड़ीसा में इसकी उत्तरी सरकार कहते हैं, उत्तरी सरकार उड़ीसा में इसको कहते हैं। और यहाँ की जो उड़ीसा की सर्वोच्च चोटी है वो महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1550 मीटर या 1501 मीटर कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए महेंद्रगिरी है, ठीक है। और देखिए पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है, अगर देखा जाए ईस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो विशाखापट्टनम में है, जिसको जिंदा गढ़ा कहते हैं। झंडा गढ़ा आपको जहीं पे झंडा गढ़ा मिलेगा, जिंदा गढ़ा मिलेगा, या फिर आराम कोंडा भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों आपस में, जैसे आराम कोंडा का 1680 मीटर है, और इसका झंडा गढ़ा मिलेगा। वैसे तो ऑप्शन में हमेशा महेंद्रगिरी ही दिया जाता है, बाकी ये ऑप्शन आता ही नहीं है। तो उसमें आपको अगर मिलेगा जिसमें सब कम वाले मिलेंगे, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। बाकी झंडा गढ़ा सबसे हाइएस्ट पिक है, कौन सा, ईस्टर्न घाट का, ठीक है। ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पिक है। और आंध्र प्रदेश के अंदर देखें तो विशाखापट्टनम में ये है, और नल्ला मलाई यहाँ पे है, पालकोंडा भी यहीं पे है, और सेसाचिलम आरमाकोंडा भी यहीं पे है, ठीक है। इसके नाम ही ऐसे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में जो बात करें, तमिलनाडु में पंचमलाई जो है वो यहाँ पे है, पंचमलाई कहाँ पे, पूर्वी घाट के अंदर आगा तमिलनाडु में मिलेगा। अर्थात पूर्वी घाट का मध्यवर्ती भाग ऊंचा है, और इसका मध्यवर्ती भाग आपको ऊंचा देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर हम, ठीक है, अभी ये हम बाकी देख लेते हैं, पूर्वी घाट भी हो गया, अब हम पर्वत श्रेणियाँ देख लेते हैं। अरावली, ठीक है, अरावली की बात करें तो
एक और पॉइंट मैं बता दूं, ये तमिलनाडु मैंने बताया, उड़ीसा का भी मैंने बताया, उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का भी बताया, तो एक और उड़ीसा में है, आपको पता होना चाहिए जस्ट। हाँ, ये उड़ीसा में और भी हैं, तो गड़जात जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा और झारखंड में देखने को मिलेगा। नयागढ़ भी आपको उड़ीसा में, ये पूर्वी घाट के अंदर है। महेंद्रगिरी भी आपको देखने को मिलेगा, और देवमाली भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जो कि पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हमारावली पर्वत श्रेणी पड़ रहे थे ना, पर माउंटेन रेंज, तो ये सबसे प्राचीन है, या रेसिड्यूअल माउंटेन है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, युवा नहीं है ये, प्राचीन है अरावली। और ये लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व पैलियोजोइक युग में या द्वितीय क्रम में निर्मित हुआ था, जिसका विस्तार कहाँ से देखने को मिलता है आपको? इसका विस्तार हमको गुजरात से स्टार्ट होता है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में 70%, उसकी और हरियाणा और दिल्ली के ये दिल्ली तक ये जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना पहाड़ी तक है, तो वहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसमें नीश एवं शिष्ट अग्नि चट्टाने भी देखी जाती हैं। यहाँ पे धात्विक खनिज, चूना पत्थर, पायराइट, सीसा खनन है, तो ये प्रसिद्ध है। और गुजरात के पालनपुर से अजमेर तक क्रमबद्ध ये श्रृंखला है, यानी कंटिन्यूअस जाता है, लेकिन उसके बाद क्या है, अजमेर के बाद से क्या है, ये अपर्दित हो जाता है, अपर्दित पठार एवं पहाड़ी है, उसके बाद ये कंटिन्यूअस नहीं देखने को मिलता है। और जो गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर है, जो कि आबू धाबी, जो कहाँ पे है, आबू धाबी, जो सॉरी आबू पहाड़ियाँ जो है राजस्थान में, वहाँ पे है ये गुरु शिखर। गुरु शिखर पूछेगा हाईएस्ट माउंटेन पे किसका है, यहाँ पे इसका अरावली का है, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी भी इसी पर है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी इसी पर है, और यहाँ की सर्वोच्च चोटी अन्य भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा ना, गुरु शिखर हो गया, और जरगा है, शेर है, ये दूसरे तीसरे क्रम से हम चोटियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम विंध्यन पर्वत की बात करें। अरावली कहाँ पे, अभी मैं एक बार मैप में दिखा दूँ, जस्ट 1 मिनट, बिना मैप के समझ नहीं आएगा। तो देखो मैंने बताया ना, ये गुजरात से स्टार्ट होता है, तो गुजरात से पालमपुर से स्टार्ट होके ये दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियाँ तक जाता है, जो कि यहाँ तक तो कंटिन्यू अजमेर तक होता है। अजमेर में ये 70% राजस्थान में होता है, बाकी थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से ये अरावली पर्वत रेंज है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से फिर ये रायसीना दिल्ली तक जाता है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट। मैप के थ्रू भी देखना पड़ेगा ना, अगर आप समझ नहीं आ रहा। फिर हम बात करते हैं विंध्यन की पहाड़ियाँ, ठीक है, विंध्यन पहाड़ियाँ देखने को मिलती है कहाँ पे हमें? इसका विस्तार हमें गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्षेत्र है, तो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिले। ये भी एक ब्लॉक या अवशिष्ट रेसिड्यूअल ये भी है, और एक ब्लॉक माउंटेन है ये, या भ्रंश जिसे कहते हैं, भ्रंशो पर्वत है ये। इसके प्रायद्वीपी पठार की उत्तरी सीमा भी कहते हैं, इसे प्रायद्वीपी पठार की उत्तरी सीमा भी कहते हैं। मतलब देखिए, प्रायद्वीपी पठार जो है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से पश्चिमी, देखिए ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और यहाँ से विंध्यन, तो ये प्रायद्वीपी पठार का उत्तरी भाग है, ये डिसाइड करता है। तो विंध्यन से शुरू होता है, विंध्यन के बाद आपको सतपुड़ा देखने, अंदर अंदर नहीं, सतपुड़ा देखने को मिलेगा, मालवा का पठार, ये सब देखने को मिलेगा। तो ये बॉर्डर बनाता है, बॉर्डरिंग करता है, ठीक है, तो इसको उत्तरी सीमा भी कहते हैं। पश्चिम में इसे मरनार की श्रेणी एमपी में, या एमपी में इसे मंडेर श्रेणी भी कहते हैं, और यूपी में इसे विंध्याचल या विंध्यन भी कहते हैं, और गुजरात में इसे जोवट हिल भी कहते हैं। गुजरात में इसको क्या कहते हैं, जोवट हिल। बिहार में इसे कैमूर कहते हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ आपने सुनी होगी। यह चूना पत्थर तथा कैंत्री चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। यूपी में जैसे चुनार देखा होगा, और अब बिहार में कैमूर और रोहतास इसके अंदर आता है, जैसे आपका चुनार की ये अब यहाँ पे देख सकते हो विंध्यन की पहाड़ियाँ, ये रहा। गुजरात से शुरू होता है ये विंध्यन की पहाड़ियाँ, गुजरात से, और ये इसे कैमूर और अलग छत्तीसगढ़ तक ऐसे जाता है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये विंध्यन की पहाड़ियाँ, ठीक है। विंध्यन की पहाड़ियाँ देखिए ये बॉर्डरिंग कर रहा है, तो ये बॉर्डरिंग कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपका सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। सतपुड़ा के अंदर तीन पहाड़ियाँ आप पढ़ोगे, महाबालेश्वरम, मैकाले, ये सब देखने को आपको मिलेगा। सतपुड़ा के अंदर बात करें तो यह भी एक ब्लॉक पर्वत है, और पश्चिम में गुजरात एवं पूर्व में अमरकंटक के पठार तक ये विस्तृत है। सतपुड़ा यानी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा टोटली, और पश्चिम में राजपुरा हिल, यानी जब ये इधर राजपुरा हिल है या राजपीपला जिसे कहते हैं, देन इसके बाद ये महादेव हिल आएगा आपको, फिर तत्पश्चात आपको मैकाले देखने को मिलेगा। तो ये तीन रेंजेज ऐसे बनी है सतपुड़ा के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। सतपुड़ा
राजपीपला और महादेव हिल और उसके बाद मैकाल, तो ये आपको देखने को मिलेगी। जो मैकाले की चोटी है ना, यहाँ पे अमरकंटक होती है और मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा और पश्चिम में गुजरात से आपको देखने को मिलेगा। और जो महादेव हिल है ना, इसकी धूपगढ़ चोटी जो कि मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे राजपीपला, तो इसको क्रम में भी लगाने को आ सकता है। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार दे दिया गया तो ये सबसे पहले आएगा ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में इधर देखने को मिलेगा आपको सतपुड़ा रेंज, जो तीन भागों में आपको पता होना चाहिए, राजपीपला, महादेव हिल और इधर आपको ऐसे मैकाले देखने को मिलेगा। ठीक, ये ऐसे गुजरात से थोड़ा बहुत देखने को ये, और यहाँ पे आपको नर्मदा, और इसके उत्तर में नर्मदा और नीचे ताप्ती रिवर है। ठीक है, महाबलेश्वरम देखेंगे, महाबलेश्वरम कलुषवाई कलुषबाई जो है कलसुबाई जो है, ये सब महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। बाकी अरावली विंध्यन हो गया, सतपुड़ा हो गया, अब अजंता बालाघाट देख लेते हैं। अजंता बालाघाट टोटली महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ये भी एक ब्लॉक पर्वत है, ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। ये बौद्ध चैत्य विहारों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ गुफाएं भी हैं। आज यहाँ पे धारावर संरचना पाई जाती है और इसलिए इसे अंचल तांबा जैसा धातु, यहाँ पे धातु की बात करें तो तांबा पाया जाता है। मध्य प्रदेश का जो जो प्रसिद्ध तांबा खनन केंद्र है महलाज खंड, इसी के अंचल में है जो अजंता बालाघाट है। ठीक है, नेक्स्ट हम गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी से आप कंफ्यूज मत होना कि तो आपको पता ही कहाँ होगा, तो गिर पहाड़ी गुजरात में है, गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश में मध्यवर्ती दक्षिण भाग में। यह एक अति अवशिष्ट पहाड़ी है जिसे गिर पहाड़ी कहते हैं, इसी उत्तरी भाग में गिर नेशनल पार्क अवस्थित है। कहाँ पे? उत्तरी भाग में इसके है, यहाँ पे मैप में दिखा देती हूँ। ठीक है, ये गिर की पहाड़ी, इसके उत्तरी भाग में ये रहा गिर की पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम राजमहल, हजारीबाग और रांची। राजमहल हिल छोटा छोटा नागपुर का पठार झारखंड में आपको देखने को ले मिलेगा, वहाँ पे कोयला वगैरह खनन भंडारण होता है। तो छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा व झारखंड की उत्तरी सीमा पर आपको ये राजमहल, हजारीबाग, रांची पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। सपोज ये मैप है, इधर मैं अगर बनाऊँ तो यहाँ झारखंड की पहाड़ियाँ, तो इसके उत्तर में आपको ये हजारीबाग, राजमहल, राजमहल का ही आपका विस्तार मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। तो ये छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा पर है, जो कि झारखंड राज्य की उत्तरी सीमा पर है और झारखंड राज्य में ये अवस्थित है। और राजमहल की पहाड़ियाँ के निकट बेसाल्टिक लावा निक्षेप से काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा का निर्माण किससे होता है? बेसाल्टिक लावा निक्षेप से काली मृदा का। काली मृदा जो होती है कपास की खेती की जाती है यहाँ पे ज़्यादातर, कपास के लिए है। ठीक है, बड़ी एवं टिकरा पारा, बड़ी एवं टिकरा पारा पहाड़ियाँ कहाँ पे है? ये सॉरी हाँ बड़ी हाँ बड़ी वर्डा एंड टिकरा पारा है, सॉरी। सो टिकरा पारा आपको कहाँ पे? उड़ीसा में देखने को मिलेगा, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे सीसा चट्टानों के, ये सीसा यहाँ से मिलता है, ये सीसा चट्टानों के लिए पैसे, यहीं पे एक सुंदरगढ़ है एवं क्योंझर पहाड़ी यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे उच्च धातु की हेमेटाइट के लोहे के लिए प्रसिद्ध है ये सुंदरगढ़, तो ये उड़ीसा में है। गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय पहाड़ पर पहाड़ों के अंदर आता है, तो गारो खासी जयंतिया मेघालय के पठार पर अव्यवस्थित तीन प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। तो ये पहाड़ियाँ हैं पठार पर स्थित, मेघालय के पठार पर स्थित, इनकी आकृति जो होती है कीपाकार, यानी एक दूसरे को ऐसे घेर लेते हैं। सो इसकी वजह से यहाँ पे देखिए ज़्यादा वर्षा होती है, रोक लेते हैं मानसूनी पौने को, तो इसीलिए यहाँ इसके अंचल में अत्यधिक वर्षा भी होती है। ठीक है, कीपाकार होने की वजह से। सो ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे मैप में एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो। सो ये देख लिया आपने ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, देन यहाँ महाबलेश्वरम, कलुषाई जो कि महाराष्ट्र में ही है ये दोनों, और सतपुड़ा देख लिया कहाँ पे, विंध्यन है, और फिर अरावली देख लिया, नीलगिरी देख लिया आपने, अन्नामलाई देख लिया, इलायची जो काडमक की पहाड़ियाँ हैं, और ये आपको क्लियर हो गया होगा। और पालनी, पालनी हिल भी आपने देख लिया। सो अगर अभी हम आते हैं पठार पे, ठीक है, अभी हम पठार पे देख लेते हैं कि पूर्वी भारत का पठार या मध्य भारत का पठार हम इसमें देखेंगे। तो मध्य भारत का पठार में हम देखेंगे मेवाड़ की जो उच्च भूमि है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्दी घाटी का युद्ध भी पड़ा होगा, तो ये सीसा जस्ता पायराइट के खनन हेतु प्रसिद्ध है। तो मेवाड़ की उच्च भूमि कहाँ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली हुई है, तो ये आपको इधर देखने को नंबर वन ये बनाया हुआ है मैंने मैप में। ठीक है,
उसके बाद मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार के अंदर मेवाड़ की उच्च भूमि के दक्षिण एवं पूर्व में मध्य भारत का पठार स्थित है। इसकी अधिकांश भाग पूर्वी राजस्थान में है, तो ये भी मध्य भारत का पठार जो है राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्य भारत का पठार तो दूसरा भी आपको राजस्थान और मध्य भारत का पठार, पहला ये मेवाड़ मध्य भारत का पठार, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार देखेंगे, मालवा का पठार तीसरा हो जाएगा। तो मालवा का पठार क्या है, लावा पठार है ये मुख्यतः मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ये कपास की कृषि यहाँ पे की जाती है। यह मांडू महल और जहाज महल है और बाज बहादुर रानी रूपवती से जुड़ा हुआ है ये। और मालवा के पठार को राजस्थान में इसको हड़ौती का पठार कहते हैं। ठीक है, हड़ौती का पठार भी कहते हैं मालवा के पठार को राजस्थान में। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड आपको मध्य प्रदेश और यूपी में भी देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में ये स्थित है। और चंबल नदी, उसकी सहायक नदी और बीहड़ का निर्माण करती है यहाँ पे। और शीशा, जस्ता, पहराइट, ग्रेनाइट, अन्य धातुएं यहाँ पे पाई जाती हैं। सो बीहड़ का मतलब यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जमीन बना दी है ना, आप देखा होगा बुंदेलखंड के क्षेत्र में पहाड़ी वो मिट्टी अलग होती है। पूर्वी भारत का पठार के अंदर हम छोटा नागपुर का पठार देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार आपको ज़्यादातर झारखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो पारसनाथ हिल है यहीं पे है, जो कि हजारीबाग पठार पे स्थित है। तो इसकी सबसे चोटी कौन सी है, पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की। ठीक है, और ये आपको देखिए झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यह भारत का समृद्ध मतलब ये ज़्यादा रिचेस्ट सो यहाँ पठार है। यहाँ पे ये तीन राज्यों में ज़्यादातर देखा जाता है, जो कि 80% आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में 7% और उड़ीसा में आपको 13% देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है, तांबा, कोयला, ब्रह बॉक्साइट और चूना पत्थर प्रमुख यहाँ पे खनिज हैं। कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार यही भी किया जाता है, भारत के आधा से अधिक यहाँ पे। राजमहल की पहाड़ियाँ, हजारीबाग का पठार तथा रांची का पठार यहाँ पे शामिल है, जो बताया मैंने उसके उत्तरी भाग में है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ और हजारी राजमहल की पहाड़ियाँ तो हिमालय की पहाड़ियों तक एक्सटेंड हो जाती हैं। तो हिमालय की पहाड़ियाँ, मेघालय की पहाड़ियाँ पठार बनाती हैं। तो वहाँ से आपको गारो खासी जयंतियाँ देखने को मिलती हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, जो बिटुनमस कोयले का भंडार यहाँ पे ज़्यादा होता है, कोयले का भी अलग अलग टाइप देखने को आपको मिलता है ना। तो उसमें यहाँ पे बघेलखंड का पठार मुख्यतः पूर्वी यूपी, पूर्वी एमपी की सीमा पर है। तो जो आपको यूपी के साइड जो सीमा है ना, उधर आपको ये देखने को मिलेगा बघेलखंड का पठार। और कोयला खनन हेतु प्रसिद्ध है यहाँ पे, सिंगरौली कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंगरैनी जो होता है वो तेलंगाना में सिंगरौली है। छत्तीसगढ़ बेसिन की बात करें तो ये कोयला, बॉक्साइट, चूना के खनन हेतु या धान की कृषि के लिए किया जाता है। यहाँ पे मध्यवर्ती भारत में धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। बस्तर का पठार कोयला, लोहा, ऑक्साइड, चूना पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बस्तर का पठार भी अब छत्तीसगढ़ पठार, छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। अमरकंटक जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं यूपी की सीमा पर है, और अमरकंटक का पठार, संजय गांधी जो नेशनल पार्क है यहीं पे है। केंद्रापसारी अपवाह के लिए प्रसिद्ध है ये। तीन नदियों का उद्गम भी यहीं से हुआ है, नर्मदा सोन महानदी। ठीक है, नर्मदा सोन महानदी। ठीक है, मेघालय का पठार की बात करें तो मेघालय का पठार एमपी में, हाँ एमपी में कांदे चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है ये। और सॉरी, मेघालय का पठार जो कि गारी खासी जयंती निकलती है, ये यूरेनियम की खनन के लिए प्रसिद्ध है। और सीरी हाँ रीता सतना पटना रीवा सतना पटना का पठार जो कि एमपी में है, और एक कांतीय चट्टानों के लिए रीवा सतना पटना पन्ना का पठार। हीरा पन्ना मडिक पखुराज, एशिया के हीरे के खनन सबसे बड़ा यहीं पर होता है। कहाँ पे, रीवा जो कि एमपी में है, कहाँ पे, रीवा सतना पन्ना का पठार एमपी में है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे पूर्वी पठार के अंदर, मैं बता दूँ पूर्वी पठार में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक विस्तृत है ये पूर्वी पठार। और भारत में तीन धातु जो होती है, दंडक, कारड़ पठार में स्थित बस्तर के क्षेत्र में पाई जाती है। तो दंडक कारड़ पठार में स्थित बस्तर के क्षेत्र में तीन जो होता है, तीन वहाँ पे पाया जाता है दंडक कारड़। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तक ये पूर्वी पठार आपका फैला हुआ है। अगर देखा जाए दंडकारण्य क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ जो पठार है ये आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर टिन की धातु के प्रसिद्ध है ये। ठीक है, कहाँ प्रसिद्ध है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम दक्कन का पठार की बात करते हैं। तो दक्कन का पठार के अंदर हम महाराष्ट्र का पठार करेंगे। तो महाराष्ट्र के पठार को हम दक्कन का ट्रैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्कन का ट्रैप। और जो दक्कन का पठार है ना, इसको हम लावा पठार या राजसी सीढ़ी भी कहते हैं। ढालपुर की ओर है और विश्व का सबसे बड़ा लावा पठार ये दक्कन का पठार है। महाराष्ट्र के पठार को हम दक्कन ट्रैप कहते हैं। अधिकांश
भाग महाराष्ट्र में ये विस्तृत काली मृदा का क्षेत्र है, यानी कपास की खेती ज़्यादा होती है गुजरात और इसके क्षेत्र में। इसके उत्तरी भाग में मैग्नीजियम जस्ता का खनन होता है, कपास की कृषि होती है। भारत के कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है, और समतला अजंता वाला घाट एवं हरिश्चंद पहाड़ियाँ इसी के अंदर आती हैं, महाराष्ट्र के अंदर। और नेक्स्ट हम बात करेंगे तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार की बात करें तो जो मुंबई है ना, इसको कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तेलंगाना के पठार की बात की, यह तेलंगाना राज्य में, उसकी कुछ सीमित भाग कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। खनिज संपन्न है भारत में, कुल यूरेनियम का 70% यही भंडार किया जाता है, कुल अभ्रक का 70% भंडारण किया जाता है, उत्पादन की बात नहीं हो रही है। रायलसीमा की का पठार जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, ये अभ्रक के चूना पत्थर एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ पर है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रायलसीमा, सिंगरैनी जो कि तेलंगाना में है, ठीक है। दक्षिण भारत के पठार की हम बात करें तो दक्षिण भारत के पठार की हम बेंगलुरु जो कर्नाटक का पठार है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैसूर का पठार, कर्नाटक का पठार के अंदर कर्नाटक का पठार, बेंगलुरु और मैसूर का पठार हम डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं, बेंगलुरु का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठारों का सबसे सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है इसको, और इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। तापमान की बात करें तो 13 डिग्री से 32 डिग्री टू 34 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसको बौद्धिक नगर कहते हैं, ठीक है। बौद्धिक नगर बेंगलुरु को कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर सिटी भी है, साइंस सिटी भी है। धारावर क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धातु उपलब्धता की बात करें तो ये लोहा, सोना, कोलार माइंस भी यहाँ पे हैं, हट्टी माइंस हैं, और यहाँ पे बाबा बदून हिल्स आपको देखने को मिलेगा, बाबा बदून हिल्स ठीक है। और इसकी बाबा बदून हिल की जो चोटी है वो मुलायनगिरी भी कहते हैं इसको, तो ये इसकी बाबा बुदन हिल यहाँ पे है। मैसूर का पठार की बात करें तो मैसूर बेंगलुरु का दक्षिण में स्थित है, ये कर्नाटक का सांस्कृतिक नगर भी है। ये श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी का द्वीप है, ये चंदन उत्पादन में अग्रणी है, ये सबसे बड़ा केंद्र यहीं पे है। मलयगिरी की बात करें, यह काफ़ी बागान हेतु प्रसिद्ध, और मलनाड उच्च भूमि, इसका दक्षिण किनारा नीलगिरी पहाड़ियों से मिल जाती है, ठीक है। मदुरई का पठार की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है, कड़प्पा एवं विंध्य संरचना है ये, और संगमरमर की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। लोहा कोयला के लिए है ये सलेम, यहाँ पे चंदन वन पाए जाते हैं, यहाँ पे रेशम पालन होता है, मदुरई सिल्क भी यहाँ पे मिलता है, सांस्कृतिक नगर है ये मदुरई। कोयम्बटूर पठार की बात करें तो ये भी तमिलनाडु में है, और कपड़ा उत्पादन का विकास भी हुआ है यहाँ पे, और यहाँ काली मृदा भी पाई जाती है। कोयम्बटूर और मदुरई आपको दोनों पता होना चाहिए कहाँ पे है। बटेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बिहार में है, ये भी पता होना चाहिए। और बिलोरी पहाड़ियाँ कहाँ पे? बिलोरी पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, और धोशी पहाड़ी कहाँ है? हरियाणा में। और चिन श्रृंखला कहाँ पे है? मणिपुर में, ये क्वेश्चन आया हुआ था। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, इसकी सर्वोच्च चोटी मैंने बताई थी ये आपको मुलायनगिरी चोटी, जो कि इसका अलग अलग नाम आपको देखने के लिए, लेकिन म से ही शुरू होगा, तो ये बाबा बुदन हिल यहीं पे है। तो यहाँ पे इमेज देखने को आपको मिल सकता है, जो मदुरई है और मलयगिरी है, मदुरई और कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, मलयगिरी और ये देखिए ये मलनाड उच्च भूमि है, मशहूर का पठार आपको देखने को मिलेगा, बेंगलुरु का पठार ये इधर आपको देखने को मिलेगा, और ये मदुरई और कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में, आपका पूर्वी घाटी हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। रायलसीमा का पठार कहाँ पे? तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपका यही आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है अनाई मुड़ी है। अगर पूछे कि पूर्वी घाट की सबसे उच्च चोटी कौन सी है, तो वो जिंदागढ़ा या जो भी ऐसे आता है, या काराकोरम भी आ सकता है, महेंद्रगिरी भी पूछ सकता है। और फिर दूसरी सर्वोच्च चोटी जो डोडा बेट्टा है वो कहाँ पे है पूछेगा, डोडा बेट्टा अनाई मुड़ी कहाँ पे है ये पूछेगा, ठीक है। और पालनी हिल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ऊटी जिसे हम कहते हैं उटकमंड कहाँ पे है, तो ये पूछेगा तमिलनाडु में है। डोडा बेट्टा कहाँ पे है? केरल और तमिलनाडु में है। महाबलेश्वरम कहाँ है? एंड देन आपका कलसुबाई है ना, कलसुबाई कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल यही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बाकी जो मैंने प्रीवियस ईयर कराया है भी वो भी पता होना चाहिए। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है, इसकी चोटी कौन सी है, तो क्लियर हो गया होगा आपको।